जंकी, जंकी, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन होश में हो, होश में हो, होश में हो, पुलिस प्रशासन होश में हो, होश में हो, होश में हो, चौकी है तू, है तू, है तू। आखिर क्यों लगे कोटला पुलिस चौकी के सामने मुर्दाबाद के नारे? आखिर क्यों पुलिस वालों ने एक पुलिस वाले को बेरहमी से पीटा? कोटला में पुलिस का सामने आया अमानवीय चेहरा। ज्वाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पुलिस चौकी कोटला में आज सुबह 32 मील के एक युवक रविंदर राणा की पुलिस द्वारा निर्मम पिटाई के विरोध में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया और न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि गत रात्रि 32 मील से पुलिस को फोन आया कि एक व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जिस पर पुलिस आरोपी के घर गई और आरोप है कि वहां पर पुलिस ने युवक जो कि पुलिस में ही कार्यरत है की लाठी डंडों से निर्मम पिटाई कर दी और उसे फिर उठाकर चौकी ले गई और सुबह युवक बेहोशी की स्थिति में पुलिस उसे शाहपुर अस्पताल ले गई, जहां पर उसे टांडा रेफर कर दिया गया। वहां पर डॉक्टरों के मुताबिक युवक कोमा में चला गया है और उसे पीजे रेफर कर दिया गया, लेकिन परिजन उसे पठानकोट के निजी अस्पताल में ले गए। युवक के परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस ने युवक रविंदर राणा की बड़ी ही बेरहमी से पीटा है, इस वजह से आज युवक कोमा में है। लोगों का कहना है कि इस मामले में दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए। उधर मामले की जानकारी मिलते ही डीएसपी ज्वाड़ी सिद्धार्थ शर्मा, एसएचओ प्रशांत ठाकुर मौके पर कोटला पहुंचे और उग्र भीड़ को ये कहकर शांत करवाया कि वह खुद मामले की जांच कर रहे हैं और आपको न्याय मिलेगा। उधर लोगों का कहना है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह चक्का जाम करने पर विवश होंगे। ये रात को किसने मारा भाई? ये पुलिस वाले ने मारा। कितने बजे? 11:30-11 बजे टाइम था। कितने बंदे आए थे साथ में? वो 6 बंदे है। कहाँ पे मारा भाई? ये घर पर मारा। अपने घर पे मारा है? हाँ जी। सभी पुलिस वाले ने मारा? रल मिल के? रल मिल के ना, सारे ना पुलिस वाले मारा। किस चीज के मारा हुआ ये? किस चीज लिया हाथ में? क्या लिया था उन्होंने? डंडे लिया। और क्या लिया था उन्होंने? उन्होंने बेरचा लिया हाई का। और उस वेले में जो कोई दिमाग के चुकाने नहीं मेरे से आई थी। अच्छा, और क्या लिया था उन्होंने? डंडिया ने कहने पंजा दे बांसा ने मारिया। आपके सामने मारा हुआ है? सारे इन्होंने मारा। आपके सामने मारा हुआ? हाँ, मेरे सामने मारा, मेरे अंगने च मारा है ना। नहीं था, रोज रोज के पे गलानी है। देखो भाई जी, अपना हमारा रविंदर राणा है जो पुलिस में आया, पहले आर्मी में था, हॉस्पिटल में था, आर्मी में था, ये अभी पुलिस में आई है। रात को मेंटल डिस्टर्ब होने से कारण इसकी मम्मी ने पुलिस चौकी कोटला में फ़ोन किया, उसके बाद जो कुछ हुआ पुलिस वाले आए, इनके आंगन में इसकी पिटाई कर दी, उसके बाद सुबह इसको शाहपुर हॉस्पिटल में लेकर आए, उसके बाद टांडा में लेकर आए इसको, भी अभी इसको पठानकोट लेकर जा रहे हैं। ये पुलिस चौकी का हाल हुआ। इसकी मम्मी जी बहुत परेशान है और विधवा जी हैं ये, इसका विधवा है, ये 3 दिन से खाना खुना नहीं खाया है और साथ में इसकी बहन है ये। 32 मील का लड़का जो पहले आर्मी में था, अब जो पुलिस डिपार्टमेंट में है, जो उन्होंने उनको बोला क्या हुआ, उन्होंने मेरे से पूछा क्या हुआ, मैंने उन्होंने बोला कि थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब हो गया था, उसकी उसकी बीबी ने उसको फ़ोन किया कोटला चौकी में किया, तो कोटला चौकी के 2 कस्टमर आए, उन्होंने उसको जाकर घर में थपचंड की उसकी, उसके बाद उसको अपना उन्होंने पत्नी ज्वाली में फ़ोन किया कि कोटला चौकी में फ़ोन किया, उन्होंने 5-6 बंदे चौकी के कोटला और आए, कोटला गए, ज्वाली गया, ये मैं जानता हूँ,
उन आते हुए उस आदमी को इतना पीटा डंडे से बेलचे से, जो घर में पड़े थे डंडे पड़े थे बेलचे पड़े थे उससे इतना पीटा उसकी छाती की पौसली हड्डी टूट चुकी है, उसके बाजू फ्रैक्चर हो चुका है, जो कि उसको रात को फिर कोटला चौकी में लेकर आए और सुबह मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ा हुआ था, मुँह में पानी निकल रहा था। उन्होंने फिर एम्बुलेंस में डाला जो सापर लेकर गए, सापर से उन्होंने रेफर कर दिया टांडा में और टांडा से उन्होंने कहा कि दिमाग की एमआर होगी और सिटी हॉस्पिटल में कराया उसका। उन्होंने बताया कि इसके सिर में जो है कि ब्रेन चोट लगी हुई है, इसका ब्लड जाम हो गया है, उसको आप या पीजीआई ले जाओ या कहीं और ले जाओ। उसका घर वाले ने, उसकी बीवी ने बोला हम कहाँ लेकर जाए, उन्होंने बताया कि उसको अमदी पठानकोट में लेकर जाओ, जो 100% में से 95% बेहाल, 5% बच सकता है, वो भगवान की भगवान दुआ आपकी दुआ है सबसे बच सकता है। पता नहीं क्या इतना रहमी से पुलिस कोटला चौकी ने पीटा बंदा, अपना ही बंदा इतना जोर से पीटा है, हमारे ऊपर क्या इंसाफ करेंगे, ये पब्लिक पुलिस से जो है हमारी रक्षा कर सकती है, इतनी रहमी से पीट नहीं सकते। हमारे घर में पशु डंगर आते हैं तो हम इतने नहीं उसको पीटते हैं जितना पुलिस वाले को मारा हुआ है, और हमारे साथ क्या कर सकते हैं, ये बिल्कुल बेइंसाफी है। उन्होंने अभी टाइम लिया, उन्होंने बोला 10 मिनट बाद आपको इसकी कार्रवाई करते हैं। तो मैंने लोगों को फ़ोन किया, चौकी चंद्र कुमार जी को फ़ोन किया, वो आएंगे अभी तक 2 घंटे 3 घंटे हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं कोई आया। हमारा लड़का जो है बेहाल में है, कुछ भी हो सकता है। इसका जवाब जो लड़के का जवाबदारी है वो पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर है और अर्जुन ठाकुर जी के ऊपर है और चौधरी चंद्र कुमार जी के ऊपर है, हम उनसे लेंगे। इतना पुलिस वाले ने क्यों मारा, पुलिस वाले को मार सकता तो हमारे ऊपर कितना पेड़ साफ कर सकते हैं। हमारे को ये चाहिए ना 10 मिनट का टाइम दे, 10 मिनट बाद ये कुछ नहीं करेंगे, हम चक्का जाम करेंगे चक्का, हमने इंसाफ चाहिए चक्का जाम करेंगे। कल को ये पुलिस वाला लड़का जो मर सकता है, जो इसकी माँ है।